छोटी सी जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ, वो क्या है आगे वीडियो में दिखाता हूँ। कई दफ़े आप देखते हो कि आपकी, इधर दिखा दें, ये ट्रक की नलकी हो गई या और छोटी गाड़ियों की नलकी हो गई जिसकी बैंड नलकी होती है, इधर दिखा, बैंड नलकी जो होती है यहाँ से मुंह दब जाता है। मुंह दब जाने की वजह से हम वाल्व जब खोलते हैं तो वाल्व कई दफ़े टूट जाता है, कई दफ़े निकल भी जाता है। जैसे कई दफ़े आपका वाल्व टूट गया और आपके पास वेल्डिंग करने का जुगाड़ नहीं है और कोई वेल्डिंग वाला नज़दीक नहीं है और आपके पास ये पकाने का सिस्टम नहीं है आपके पास, तो आपको रिपेयरिंग करनी है नल की, तो कई दफ़े जिसके पास जुगाड़ है वेल्डिंग करने का तो वो यहाँ से काट करके दूसरी नलकी को वेल्डिंग कर देता है, या उसके नज़दीक में कोई वेल्डिंग वाला है तो उससे वेल्डिंग करवा लेता है। जैसे हमारे पास कोई इसको पकाने का भी जुगाड़ नहीं है, ना कोई वेल्डिंग वाला नज़दीक में है, ना हमारे पास वेल्डिंग का जुगाड़ है, तो उस वेस में आपको इस प्रकार से एक नलकी लेनी पड़ेगी जो रेडीमेड आपको पंचर वाली शॉप पर मिल जाती है, जो होलसेल का काम करते हैं, जो वो इस प्रकार की नलकी होती है। हर नलकी के अंदर इस प्रकार की चूड़ी होती है, इस प्रकार की चूड़ी जो होती है जो इस नलकी में सेट हो जाती है। और आपको इस नलकी को कहाँ तक काटना है ये बता रहा हूँ। ये जो ये पाइप जो नलकी की गई है, ये ऐसे नलकी गई है, ये जहाँ तक ये पाइप है आपकी, बस ये वहीं तक इसको काटना है आरी से। ऐसी कोई आरी ब्लेड हो या ऐसे कोई इससे बड़ी कोई आपके पास आरी हो आप उससे भी काट सकते हो, या कोई कटिंग कटर हो आपके पास तो आप उससे भी काट सकते हो, लेकिन इसको बिल्कुल सीधा काटना है, टेपर बिल्कुल ना कटे, और इसको यहीं तक काटना है जहाँ तक ये पाइप है बैंड वाली, यहाँ तक काटना है। और ये टेपर वाला हिस्सा, ये जो टेपर है वो इसके अंदर जाके बैठेगा, देखो ये अंदर भी इसके अंदर टेपर जुगाड़ बना हुआ है। इस पर आप फिर काटने के बाद इसको हल्का सा ऊपर से फाइल या रेगमार या रेती मार करके बिल्कुल ग्रोबर कर देना, उसके बाद इस पर आप टेफ्रॉन टेप लगा करके, सफ़ेद वाली टेफ्रॉन टेप आती है वो आप इस पर लगा करके फिर इस नलकी को आप फिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन काम हो जाएगा। यही जानकारी थी जो आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी। बाकी आपको मेरी ये जानकारी सही लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।